दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है आज बहुत सारे लोगों के लिए। जो लोग भी न्यूजीलैंड में जाना चाहते हैं, वहाँ पर एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है टूरिस्ट वीज़ा पर जो भी जो है न्यूजीलैंड जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद जो है अपने वीज़ा को कन्वर्जन करवाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो है मैं बात करने वाला हूँ बेसिक तौर पर कुछ जो है हार्डवेयर स्टोर्स हैं न्यूजीलैंड के अंदर, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लोगों की वैकेंसीज ओपन है। तो काफ़ी सारी जो है डेजिग्नेशन उसके अंदर अवेलेबल है, जिनका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके साथ जो है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जॉब डेजिग्नेशन कौन-कौन सी वहां पर जो है अवेलेबल है स्टोर्स के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि स्टोर जॉब्स है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। इसके अलावा हम लोग दोस्तों ये भी देखेंगे कि वहां पर आप लोग जो है जॉब्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हो, सैलरीज वगैरह आपको क्या मिलती है। ठीक है जी, टोटली। और कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर एक जॉब में। वहां के जो लोग हैं, न्यूजीलैंड के जो लोग हैं, वो लोग इस काम को नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप लोगों का A to Z सर्विसेज में। यहाँ पर हम लोग आपको वो इन्फॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं जो इन्फॉर्मेशन एजेंट्स आपसे लाखों रुपए लेकर आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी और स्वागत करता हूं दोस्तों आपका A to Z सर्विसेज पर। अगर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों बात कर रहे हैं आज न्यूजीलैंड के अंदर जो है काफ़ी सारी इस तरह की जो है कह लीजिए कि हार्डवेयर स्टोर्स हैं, जहां पर अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिन वैकेंसीज़ का आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिन लोगों ने बेसिक क्वालिफिकेशन तो अपनी हासिल कर रखी है, बट उनको ये पता नहीं है कि कौन सी जॉब में वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर दोस्तों DIY जो स्टोर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है फॉरेन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड में खास करके जो है DIY स्टोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब कि आप खुद अपने घर की अगर कुछ रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है जी, होम इम्प्रूवमेंट का सामान खरीदना है आपको, आपको कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है, आपको सीमेंट खरीदना है या फिर टाइल्स की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर स्टोर से मिलती हैं। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंदर इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स हैं, जिस तरह से हमारे इंडिया में जो है ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, इसी तरह से न्यूजीलैंड के अंदर जो है हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा वहां पर अब जब इतने ज्यादा लेवल पर जो है हार्डवेयर स्टोर्स होंगे तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर उन लोगों को लोगों की भी जरूरत होगी। और दोस्तों आपको बता दूं एक चीज कि जो हार्डवेयर स्टोर्स न्यूजीलैंड के अंदर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब एकर्स के हिसाब से जो है वहां पर बने होते हैं। और आपको बताना चाहूंगा एक शिफ्ट के अंदर, मतलब दो दो शिफ्ट होती है वहां पर, एक शिफ्ट के अंदर तकरीबन 100 से 200 आदमी वहां पर लोग काम करते हैं। ठीक है जी, उनके अंदर कुछ फीमेल्स भी जो है काम करती हैं, कुछ मेल्स भी करते हैं, तो वो लोग जो है इस तरह से काम कर रहे हैं और एक शिफ्ट के अंदर इतने लोग काम करते हैं। तो आप दोस्तों ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अब कितने ज़्यादा स्टोर्स जो हैं न्यूजीलैंड के अंदर होंगे। ठीक है जी, और हर एक स्टोर के अंदर अगर 200 लोग भी काम कर रहा है एक शिफ्ट के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब डेजिग्नेशन अवेलेबल है। जॉब डेजिग्नेशन की अगर दोस्तों बात करें तो वहाँ पर जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब डेजिग्नेशन अवेलेबल है। ठीक है जी, जैसे कि कोई स्टोर के अंदर आता है तो उन लोगों ने अगर कुछ देखना होता है तो वो जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको सेल्स के लिए उनके बेनिफिट्स वगैरह आपने बताने होते हैं, सारा कुछ जो है उनको बताना होता है कि इस चीज़ का क्या बेनिफिट है, इस चीज़ का क्या नहीं है। ठीक है जी, मतलब आप जो है उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक तरह से। लोडिंग के लिए उन लोगों को लोगों की ज़रूरत होती है, अनलोडिंग के लिए ज़रूरत होती है, मतलब जब वेयर हाउस से सामान आता है कहीं पर हार्डवेयर स्टोर के अंदर, तो वहाँ से जो है सामान को उतारने के लिए उन लोगों को लोगों की ज़रूरत होती है। समटाइम्स जो है कुछ सामान दूसरे स्टोर्स पर भेजना पड़ता है, उसके लिए जो है लोडर्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी काम जो है आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। मतलब इन ये वाली जो जॉब्स होती हैं इनके अंदर थोड़ी सी आपकी हेल्थ की फिटनेस अच्छी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा मिनिमम टू मिनिमम आप 30 kg इतना वज़न आप उठा सकें, 30 kg से। आगे बात करते हैं दोस्तों फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की अगर दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत सारी इस तरह की तमाम कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारी जो है वैकेंसीज हैं जो कि फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे जो है पैसे प्रोवाइड करते हैं, सैलरीज अच्छी पे करते हैं, वेज रेट बहुत अच्छा है। कहने का मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों कतर, ओमान या फिर आप किसी भी गल्फ कंट्री में जो है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम कर चुके हैं, तो आपको बताना चाहूँगा आप जो है वहाँ पर
इजीली 40 से 45 डॉलर पर आवर के हिसाब से आप कमा सकते हैं। और जो एक बेसिक वेज रेट आता है स्टोर जॉब्स के अंदर, उसकी अगर बात करें दोस्तों, 30 से 35 डॉलर आप इजीली अर्न कर सकते हैं स्टोर जॉब्स के अंदर। जो भी लोग 10th 12th करी हुई है, ठीक है जी, और आप लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है जी, या फिर न्यूजीलैंड में जाना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए। और दोस्तों हमने इस तरह की और काफ़ी सारी वीडियोस हमारे जो है चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रोवाइड भी की है। रिकवरी वीज़ा का जो है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों में जो है ऐलान किया था, तो उसकी वीडियो जो है मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, उसको देखिए। इसके अलावा जो है स्पॉन्सरशिप जो है जॉब्स के रिलेटेड जो है वीडियो पोस्ट करी हुई है, जॉब्स को किस तरह फाइंड करें ये भी जो है हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का जो है आप बेनिफिट लीजिए, वीडियोस को वॉच आउट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अब दोस्तों आगे थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स के बाद। अब आगे दोस्तों बात आ जाती है ड्राइवर्स की, वहाँ पर जो है ड्राइवर्स भी चाहिए दोस्तों, जैसे कि वेयर हाउस से सामान लाने के लिए या फिर वेयर हाउस से अपने कह लीजिए कि स्टोर से, हार्डवेयर स्टोर से कहीं और रिटेल स्टोर्स तक या फिर शॉप्स तक आपको सामान डिलीवर करने के लिए भी उन लोगों को जो है ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन लोगों के पास ड्राइवर का एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड के अंदर आज की डेट में। अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा मौका है, और आप ईयरली बेसिस पर अगर देखा 30-40 लाख रुपए ईयर के हिसाब से आप लोग जो है इजीली अर्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसके आगे इन्वेंट्री चेकर्स दोस्तों, ये एक वो पोस्ट होती है जहां पर जो है हार्डवेयर स्टोर्स के अंदर जो भी सामान आया होता है वेयर हाउस से, ठीक है जी, उसकी जो है एक कैलकुलेशन करनी होती है कि कितनी यूनिट्स हमारे पास आ चुकी है, कितनी सेल्स हो चुकी हैं, कितनी हमारे पास जो है डिफेक्टिव पीस आए हैं, ठीक है जी। हाँ, डिफेक्टिव पीस से बात कर लेते हैं। अब वहाँ पर कुछ टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत होती है। टेक्नीशियंस कहने का मतलब कि मान लीजिए आपके हार्डवेयर स्टोर से कोई भी सामान जब सेल हो जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ डिफेक्टिव पीस होते हैं उसके अंदर, तो वो जो है वापस आ जाते हैं। और डिफेक्ट ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा कोई डिफेक्ट होएगा, माइनर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि काम नहीं करती हैं, ठीक है जी। तो उन चीज़ों के लिए भी उन लोगों ने जो है स्पेशल तौर पर टेक्नीशियंस अरेंज किए होते हैं। तो टेक्नीशियन जिन लोगों के पास इलेक्ट्रीशियन का जो है एग्जाम अपना एक्सपीरियंस है या फिर आपको मशीनों के बारे में नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आप लोग जो है इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, और एज ए टेक्नीशियन भी आप वहाँ पर जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा जर्नल असिस्टेंट्स की भी बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट होती है। जर्नल असिस्टेंट दोस्तों वो लोग होते हैं जैसे कि समटाइम्स हम मॉल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है जी, या फिर किसी भी बड़े स्टोर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ मेल्स फीमेल्स मिलते हैं जो लोग हमको बताते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है जी। तो जर्नली वो हमको एजिस्ट करते हैं, बताते हैं कि इस सामान से क्या आप जो है खरीद सकते हैं, यहाँ पर क्या ऑफर चल रहा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो लोग आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह के लोगों की भी वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब जॉब डेजिग्नेशन की अगर बात करें तो इस तरह के जो जॉब्स हैं इनके अंदर ज़्यादा कह लीजिए हाईली एक्सपीरियंस्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो टेक्नीशियन का काम है उसके लिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि किसी ना किसी लेवल पर एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इन जॉब्स के अंदर आपको हाईली कह लीजिए स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, हाईली एक्सपीरियंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, हाईली कह लीजिए कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब भी आप जॉब्स अप्लाई करते हैं तो आपको न्यूजीलैंड फॉर्मेट के अंदर आपका CV कवर लेटर बिल्कुल होना लाजमी है। और अगर दोस्तों आप लोग जो है फ्री न्यूजीलैंड जो है अपना CV कवर लेटर बनाना चाहते हैं न्यूजीलैंड फॉर्मेट में, तो आपको बताना चाहूँगा career.gov.nz, ठीक है जी, career.government.nz, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग जो है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूजीलैंड फॉर्मेट में CV कवर लेटर अरेंज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अगर आपको जो है नहीं बनाने आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको जो है न्यूजीलैंड फॉर्मेट में CV कवर लेटर प्रोवाइड करेंगे, बट जो सर्विस होगी वो थोड़ी सी पेड होगी, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, ये चार्जेबल है। अब दोस्तों आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो है बहुत सारी इस तरह की जॉब्स जो है वहाँ पर अवेलेबल है। सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है मैंने साथ साथ में आपको जो है बता दिया है, तो आप जो है इन सभी बेनिफिट्स, इन सभी वैकेंसीज़ के अंदर जो है जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जॉब्स अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक मैं आपको ट्रिक्स बताना चाहूँगा यहाँ पर, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है जी। अब दोस्तों जब भी आप जो है जॉब्स अप्लाई करते हैं तो कोशिश किया करें
जब भी जिस भी जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, आप पहले तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन रीड करें, वहाँ पर कौन सा स्किल सेट उन लोगों ने दे रखा है कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, जो चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई है आप ये ध्यान रखें कि आपको वो काम आना चाहिए, ठीक है जी। वहाँ से उसके बाद वो जो वहाँ पर कीवर्ड्स होंगे स्किल सेट वाले, उनको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है जी, और अपने CV के अंदर एडिट करना है, ठीक है जी। हर बार आपको जो है अपने CV को एडिट करना है जब भी आप न्यू जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। सेम CV अगर आप बार बार जो है सेंड करते जा रहे हैं एक ही कंपनी में या फिर अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में, बट वहाँ पर आपका स्किल सेट मैच नहीं हो रहा है, उन लोगों को जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन लोगों को आपके CV में से मिल नहीं रही है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आपका CV जो है सेलेक्ट नहीं हो पाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए किसी तरह का लिंक या फिर मेल नहीं आएगी, ठीक है जी, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है इंटरव्यू के बाद ही होने वाली है। और इंटरव्यू में आपसे जो है बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश में आपके इंट्रोडक्शन पूछी जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है जी, कुछ भी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है हैवी कह लीजिए कि इंटरव्यू नहीं होता ये। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस जॉब्स के अंदर वही लोग अप्लाई करें, क्योंकि स्टोर्स के अंदर जो जॉब्स होती हैं यहाँ पर आपकी शिफ्ट चाहे 8 घंटे की हो रही है चाहे दोस्तों 10 घंटे की हो रही है, ठीक है जी, आपको जो है सारा दिन वहाँ पर खड़े रहना होता है, आपको जो है बैठने के लिए नहीं मिलेगा, बट आपको जो है लंच टाइम में आपको रिलैक्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, आपको ब्रेक ज़रूर मिल जाएगी बट आप लोग जो है बैठ नहीं सकते हैं, आपका जो जॉब है वो स्टैंडिंग जॉब होगी। अब दोस्तों मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ वेबसाइट्स दे रहा हूँ, ठीक है जी, इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर, इन जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाकर आप लोग जो है जॉब्स अपनी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा CV कवर लेटर आप यहाँ पर जो है अपनी सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक लाजमी करें, और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊँ, किसी भी कंट्री के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कंट्री का नाम, अपना नाम और आप कहाँ से जो है अपना कमेंट, कौन सी कंट्री में है, कौन सी सिटी में है, ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करें, ठीक है जी, हमको भी पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ कहाँ तक जो है बैठे हैं और कहाँ से हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है A to Z सर्विसेज पंजाबी, उसको भी जो है सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पंजाबी लैंग्वेज में पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा दोस्तों आप हमको जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स को, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, टिकटॉक हो गया, तो काफ़ी सारे इस तरह के और भी वेरिएंट्स हैं जहां पर आप लोग हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई, और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।